बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चना पुलाव। हमारे घर में गर्मियों के मौसम में चना पुलाव बहुत बनता है और बहुत शौक से खाया जाता है, खासकर दही फुलकियों के साथ। चना पुलाव को बनाने के लिए मैंने ये वाला मग, डेढ़ मग जो है वो लिया है चावलों का। ये बासमती राइस हैं, अच्छी क्वालिटी के। इनको हम भिगो के आधा घंटे के लिए रखेंगे। पहले हम दो तीन पानी इनको धो लेंगे और उसके बाद भिगो देंगे। उसके बाद इसमें जाएंगे चने। चने ये मैंने उबाल के रखे हुए हैं। आप कम डाल लें, ज़्यादा डाल लें, मेरे ये ऑलमोस्ट आधा किलो या उससे थोड़े से ज़्यादा होंगे, उबले हुए हैं। प्याज इसमें जाएंगे दो, मीडियम साइज़ के मैंने लेके काट लिए हैं। नमक 2/2 टीस्पून जाएगा और 1 फुल टेबलस्पून मैंने काली मिर्च का लिया है। 4 से 5 मेरे पास बड़ी इलायची हैं। 2 फुल टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है। 4 से 5 पीस मेरे पास हैं सिनेमन के। और उसके बाद 2 फुल टेबलस्पून मैंने लिए हैं जिंजर और गार्लिक पेस्ट के। और ये 5 से 6 मैंने सब्ज़ मिर्चें लेके काटनी थी। सब्ज़ मेरी बड़ी बड़ी सुरख हो रही थी तो मैंने वो काट ली। तो अब हम चावलों को पहले धो के भिगो देंगे, उसके बाद फिर हम चावल बनाना शुरू करते हैं। चावल बनाना शुरू करते हैं। पतीले में मैंने 1.5 कप तेल का लिया है, इसको गर्म होने दिया है। अब इसमें मैं प्याज डालती हूँ। अभी मेरी जो हीट है वो हाई पे है। हमारे प्याज ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पे ये आपके ऊपर है, अगर आप चावलों का रंग बहुत ज़्यादा गहरा करना चाहते हैं तो आप इनको ज़्यादा ब्राउन कर लें। अब इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। हम ये अपना कलर बदलते हैं, हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। मिर्चें जाएंगी, काली मिर्चें जाएंगी, जीरा, दालचीनी, नमक, सब कुछ डाल देंगे। साथ ही अब इसमें हम चने डाल देंगे और चूल्हे को मीडियम पे ले जाएंगे, मीडियम हीट पे ले जाएंगे। हमारे चने अच्छी तरह से भून गए हैं। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी हमेशा डबल डालते हैं। मैंने 1.5 कप मग ये वाला जो है वो पानी का लिया है, तो इसमें ये 3 मग जो हैं वो पानी के जाएंगे। तो और ये इसको ढक्कन देके हम बॉयल आने देंगे। जो ही इसने पानी ने उबलना शुरू किया तो हम चावलों का पानी पहले से निकाल के रख लेंगे और चावल इसमें डाल देंगे। हमारा पानी उबलना शुरू हो गया है, अब हम इसमें चावल डालेंगे। चम्मच चेंज कर रही हूँ।
दफा हिला के। ढक्कन ऊपर दे देंगे। आग जो है वो हम मीडियम टू हाई रखेंगे सिर्फ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद इसको मीडियम पे ले आएंगे। हमारे चावल उबलना शुरू हो गए हैं, अब इसको हम मीडियम पे कर देंगे हीट को। हमारे चावल ऑलमोस्ट दम पे जाने के लिए तैयार हैं। अब हम चूल्हे को लो पे कर देंगे और इनको पकने देंगे। हमारे चावल पक के बिल्कुल तैयार हैं, इनको हम डिश में निकालते हैं। हमारा चना पुलाव तैयार है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।